स्टूडेंट्स, अभी हम डिस्कस करते हैं कंसेप्ट ऑफ पैरेलल लाइंस. क्या होता है, दो लाइनें पैरेलल कब होती हैं? टू लाइंस आर पैरेलल अगर उनकी स्लोप सेम होती है. इफ दे हैव सेम स्लोप. इफ दे हैव सेम स्लोप मीन्स क्या, M1 इज इक्वल टू M2. क्लियर है? दो लाइनें तब पैरेलल होंगी जब उनकी स्लोप सेम होगी, मतलब M1 इज इक्वल टू M2 होगा. ठीक है, मैं देता हूं आपको एग्जांपल्स ऑफ पैरेलल लाइंस. एग्जांपल्स ऑफ पैरेलल लाइंस, मान लो एक लाइन लिख दी मैंने y इज इक्वल टू 2x + 3, एक लाइन लिख दी y इज इक्वल टू फिर से 2x + 6. देखिए ये क्या लिखा है, y इज इक्वल टू mx + c. इधर स्लोप कितनी है, इसकी स्लोप है 2, इसकी स्लोप भी कितनी है 2. ठीक है, ये पैरेलल लाइंस है. मान लो ऐसी मैं कहता हूँ 3x + 4y + 7 = 0, ये लाइन लिख दी मैंने 3x + 4y + 9 = 0. दो लाइनें पैरेलल कब होंगी, देखिए जब ये a और b दोनों सेम होंगे, प्रोपोर्शनेट हो जाएंगे. मतलब देखिए इधर a3, इधर भी a3, इधर b4, इधर भी b4. यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो स्लोप क्या होती है, स्लोप होती है माइनस ए बाय बी. तो यहाँ से स्लोप क्या हो गई, -3/4. यहाँ पर स्लोप क्या हो जाएगी, यहाँ भी स्लोप हो जाएगी -a/b. यहाँ भी कितनी होगी, -3/4. तो ये क्या हो गया, दोनों लाइंस होगी पैरेलल. समझ आता है ना, दोनों की स्लोप सेम है. ऐसे ही मैं कहता हूँ, मान लीजिए एक लाइन ली मैंने 2x + 5y + 13 = 0, दूसरी ले ली 4x + 10y + 13 = 0. इसकी स्लोप क्या होगी, -a/b, यानी -2/5. ठीक है, इसकी स्लोप क्या हो जाएगी, इसकी स्लोप क्या आ जाएगी, देखिए ये हो जाएगी -a/b. ये भी कितना आ गया, ये भी आ गया -2/5. ये क्या है, ये दोनों की स्लोप इक्वल है ना, ये चीज़ जब ये इक्वल हो गया तो ये क्या हो गई, ये हो गई पैरेलल लाइंस. इनकी स्लोप क्या है, स्लोप इक्वल है तो ये होगी पैरेलल लाइंस. अब स्टूडेंट मान लीजिए मैं आपको कहता हूँ, मेरे को एक लाइन पहले ही पता है, ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू द लाइन (2x - 3y + 7 = 0) एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 0. मैं कहता हूं मुझे एक ऐसी लाइन की इक्वेशन चाहिए जो क्या हो, जो इस लाइन के पैरेलल हो और क्या हो, पास कर रही हो 1, 0 से. देखो ये लाइन है हमारी 2x - 3y + 7 = 0, और मुझे इस लाइन की इक्वेशन चाहिए जो इसके पैरेलल हो पर ये पास कहाँ से करे, 1, 0 से. ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, देखिए सीधा सा मेथड क्या है इसका, ये जो रिक्वायर्ड लाइन है, ठीक है, मुझे इसकी इक्वेशन चाहिए ना, तो रिक्वायर्ड लाइन क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन हो जाएगी, इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इसकी इक्वेशन हो जाएगी, देखिए 2x - 3y + 7, आप इसको एज इट इज लिख दीजिए 2x - 3y. बस ये जो प्लस सेवन है ना, इसकी जगह +c = 0 लिख दीजिए, कॉन्स्टेंट लगा दिया हमने, क्या है, वेयर c इज अ कॉन्स्टेंट. अब मैं बस क्या करूंगा, देखिए ये कहां से पास होती है, द न्यू लाइन द रिक्वायर्ड लाइन पासिस थ्रू, ये कहाँ से पास हो रही है, 1, 0 से. जब ये लाइन 1, 0 से पास होती है तो मैं क्या करूँगा, इस वाली लाइन के अंदर ना x की जगह पर 1 डाल दूंगा, y की जगह पर 0 डाल दूंगा और c की वैल्यू आ जाएगी, x की जगह पर 1, y की जगह पर 0. यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ गई, c आ जाएगा 1. तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या हो जाएगी, 2x - 3y, बस c की जगह पर वैल्यू डाल दी 1 = 0.
फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 7,4 एंड पैरेलल टू द लाइन जो कि किसके पैरेलल है एंड पैरेलल टू द लाइन 7x-4y इसको लेते हैं 4x-7y +5=0। देखिए अब क्या है इक्वेशन ऑफ अ लाइन हमें किसकी चाहिए इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू 4x-7y +5=0 इज क्या हो जाएगी ये हो जाएगी 4x-7y आज इट लिख दीजिए प्लस 5 की जगह लगा दीजिए प्लस c या आप इसको इज इक्वल टू c भी लगा सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है। नाउ द रिक्वायर्ड लाइन पासिस थ्रू 7,4 ये एक लाइन है 4x-7y +5=0 इसके पैरेलल लाइन है वो कहाँ से पास हो रही है 7,4 से तो वो क्या करेगी इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी तो मैं क्या करूँगा बस 4x-7y +c=0 ना इसमें क्या डालूंगा मैं x की जगह पर डाल दूंगा 7 और y की जगह पर डाल दूंगा 4 +c=0 ये कितना हो गया 28-28 +c=0 इसका मतलब क्या है c कितना आ गया c आ गया 0 देयरफोर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या हो जाएगी ये हो जाएगी 4x-7y +c=0 c की वैल्यू क्या है 0=0 या फिर मैं कह सकता हूँ क्या 4x-7y=0 ठीक है ना मैं इस चीज़ को बता देता हूँ क्या है देखिए जो ये वाली लाइन है ये वाली लाइन 7,4 से पास कर रही है सिंस दिस लाइन पासिस थ्रू 7,4 देयरफोर 7,4 विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इस लाइन की इक्वेशन क्या है इस लाइन की इक्वेशन है जब हमने निकाली नहीं थी सॉल्व नहीं करा था तो हमने ये लिखा था ना 4x-7y +c=0 तो मैं क्या करूँगा x की जगह पर यहाँ पर 7 डाल दूंगा और y की जगह पर 4 डाल दूंगा तो 4x-7y +c=0 कई स्टूडेंट इस चीज़ में फंस जाते हैं उन्हें इस चीज़ का मतलब नहीं बताता तो बेसिकली क्या है अगर एक लाइन इस पॉइंट से पास होती है तो इस पॉइंट पे जो x है उसको मैं यहाँ पर x की जगह डाल दूंगा इस पॉइंट पे जो y कोऑर्डिनेट यानी 4 को मैं y की जगह पर डाल दूंगा तो मैंने ऐसे ही करा देखिए 4 x की जगह पर 7 डाल दिया और y की जगह पर मैंने 4 डाल दिया यहाँ से मेरी सी की वैल्यू आ गई सी की वैल्यू आ गई तो मेरे को फाइनल लाइन मिल गई ठीक है तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी 4x-7y=0 ये बाद में आ ही जाएगा कंसेप्ट ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस ठीक है दो लाइनें कब परपेंडिकुलर होती हैं टू लाइंस आर परपेंडिकुलर इफ प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इफ प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज माइनस वन ठीक है क्लियर है इफ प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स इज माइनस वन मान लो मैं कहता हूं सपोज इफ वन लाइन इफ फर्स्ट लाइन हैज अ स्लोप एम वन एंड सेकेंड लाइन की स्लोप है एम टू सेकेंड लाइन हैज अ स्लोप एम टू तो क्या होगा देन m1 m2 m2 = -1 ठीक है देन द टू लाइन्स विल बी परपेंडिकुलर इफ m1 m2 = -1 ठीक है मैं आपको दो लाइनें देता हूं मान लो आर द टू लाइन्स y = 3x+1 एंड y = -1/3x+4 आर द टू लाइन्स परपेंडिकुलर आर द टू लाइन्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर ठीक है देखिए पहली लाइन क्या है एम वन पहली लाइन की स्लोप क्या है इसकी स्लोप है 3 दूसरी की स्लोप क्या है -1/3 ठीक है ना तो एम वन इंटू एम टू कितना है
3 इंटू माइनस 1 बाई 3 ये कितना आ गया, ये आ गया माइनस 1, देयर फोर एम वन इंटू एम टू इज इक्वल टू माइनस 1, हैंस तो क्या हो गया, दोनों लाइनों की स्लोप का प्रोडक्ट माइनस 1 आया, हैंस द टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, हमें पता क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, अगर ये लाइन की इक्वेशन है, ठीक है, फॉर अ लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, उसकी स्लोप क्या होती है, उसकी स्लोप होती है m, जब यहां पर y होता है अकेला और x का कोफिशियंट क्या होता है, जो x का कोफिशियंट होता है ना, जब यहां पर y का कोफिशियंट वन है तो जो x का कोफिशियंट होता है वो होती है स्लोप। तो ये लिखा है ना, अगर y इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस वन, वाई का कोफिशियंट क्या है 1, x का कोफिशियंट क्या है 3, तो इसकी स्लोप क्या हो गई 3, ऐसे इधर स्लोप क्या होगी माइनस 1 बाय 3। आर द लाइन्स 3x माइनस 5y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 एंड 5x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मुझे दो लाइनों की इक्वेशन दे दिया और मुझे बताना है क्या ये आपस में परपेंडिकुलर है। स्टूडेंट देखिए, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन ये क्या होती होती है माइनस ए बाई बी, याद है ना आपको, अगर आपके पास लाइन होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, अगर मेरे पास एक लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो उसकी स्लोप क्या होती है, उसकी स्लोप होती है माइनस ए बाई बी। ठीक है, अब देखिए पहली लाइन की स्लोप क्या, तो स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन क्या हो जाएगी, देखो माइनस ए बाय बी, बी क्या है माइनस फाइव, देखो ये ए है 3, बी है माइनस 5, ये आ गया माइनस 3 बाय 5, यानी ये आ गया 3 बाय 5। स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन क्या होगी, स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन होगी, सेकेंड लाइन ये है, ये क्या हो जाएगी माइनस ए बाय बी, ये आ गया माइनस 5 बाय 3, ये है m1, ये है m2। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ m1 इनटू प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स हमें चाहिए, अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स यानी m1 इनटू m2, ये कितना आ जाएगा m1 है 3 बाय 5, m2 कितना है माइनस 5 बाय 3, ये कितना आ गया, ये माइनस 1 आ गया। सिंस द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स इज माइनस 1, देयर फोर द टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देयर फोर द टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। स्टूडेंट्स देखिए, इसमें ना एक मेन बात जो पकड़ने वाली है वो क्या है, कभी भी आपके सामने ऐसा ना, देखो यहाँ पर x के साथ है 3 और y के साथ है 5, ये इंटरचेंज हो जाए, पहले x के साथ 3 था तो अब x के साथ 5 आ गया, पहले y के साथ 5 था और x, अब क्या हो गया y x के साथ 5 आ गया, समझ रहे हो, 3 क्या था पहले x के साथ था अब यहाँ पर y के साथ है, 5 क्या था पहले y के साथ है अब x के साथ है, और ये साइन बदल जाए, ये माइनस बदल गया प्लस में, तो सीधा मतलब है कि दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हैं। यही शॉर्टकट मैं यूज़ करूँगा आगे दो लाइनों को परपेंडिकुलर, एक लाइन से दूसरी परपेंडिकुलर लाइन बनाने के लिए, क्या है x और y के कोफिशियंट इंटरचेंज हो जाए और माइनस बदल। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन 4x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, मान लीजिए मेरे पास पहले ये एक लाइन है, ये लाइन क्या है 4x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, मुझे एक लाइन चाहिए जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, ऐसे करके हो गई, ये परपेंडिकुलर है, ये कहां से पास होती है, ये पास होती है कहां से, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2। स्टूडेंट्स एक बार मैं आपको एक कंसेप्ट डिटेल में समझा दूंगा, उसके बाद मैं आपको सीधा शॉर्टकट बताऊंगा कि आगे से जब भी क्वेश्चन आएगा मैं सीधा शॉर्टकट लगाऊंगा। ठीक है, देखिए मुझे इस लाइन की इक्वेशन चाहिए, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर है, इस लाइन की इक्वेशन ये है और मुझे ये चाहिए, ये पास होती है इस 1, 2 से। ठीक है, अब मान लो मैं कहता हूँ इसकी स्लोप क्या है, इसकी स्लोप है m1, तो इसकी स्लोप क्या हो जाएगी, हमें पता है स्लोप क्या होती है, स्लोप होती है माइनस ए बाय बी, तो ये क्या हो जाएगी माइनस ए बाय बी, तो इसकी स्लोप आ गई 4/3। इसकी स्लोप क्या है, इसकी स्लोप है m2, नाउ m1 इंटू m2 ये कितना है, ये है माइनस 1, यहाँ से क्या आएगा दिस एम्प्लॉयज m1 है 4/3 इंटू एम टू, ये क्या आ जाएगा माइनस 1, इसका मतलब एम टू की वैल्यू कितनी हो गई, एम टू की वैल्यू हो गई माइनस 3/4, इसकी स्लोप आ गई माइनस 3/4। नाओ हमारे पास क्या है, नाओ फॉर द रिक्वायर्ड लाइन सी डी, मान लो ये लाइन सी डी है जो कि ए बी के परपेंडिकुलर है,
फॉर द रिक्वायर्ड लाइन सी डी हमारे पास स्लोप कितनी है, स्लोप है, मैं डिटेल में लिख देता हूँ अभी, स्लोप है 4, इसकी स्लोप कितनी आ गई m2 टू माइनस थ्री बाय फोर, एम टू ये है माइनस थ्री बाय फोर, और साथ में हमारे पास एक पॉइंट भी है, पॉइंट क्या है, पॉइंट है 1, 2, हमारे पास ये दोनों चीज़ें इस लाइन के लिए, तो इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे, अब हम लाइन की इक्वेशन निकाल लेंगे कैसे, इक्वेशन ऑफ लाइन यूजिंग हमारे पास एक पॉइंट है और एक स्लोप है, यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म, ये रहा पॉइंट और ये रही स्लोप, वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी वाई, वो होती है वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इन टू एक्स माइनस एक्स वन, यही इक्वेशन होती है ना, तो बस मैं ये वैल्यू डालता हूँ वाई माइनस वाई वन, यहाँ पर वाई वन कितना है 2 इज इक्वल टू एम, एम कितना है माइनस थ्री बाय फोर, एक्स माइनस एक्स वन कितना है 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ से आ जाएगा मेरे पास दिस एम्प्लॉयज 4y माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 3, ये क्या हो गया, ये हो गया 4y प्लस 3x इज इक्वल टू 3 प्लस 8, देयरफोर 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या लाइन है, ये लाइन है CD, सी डी की इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास ये, ठीक है ना, ठीक है स्टूडेंट, हमने क्या करा, सबसे पहले देखिए अभी शॉर्टकट बताता हूँ, पहले एक बार इसको दोबारा रिवाइज कराया था फटाफट, इसकी स्लोप है m1, इसकी स्लोप आ गई 4/3, इसकी स्लोप है m2, m2 क्या होगी आपने याद रखना है, m2 क्या होगी, इसको उल्टा करके नेगेटिव कर दो, m2 क्या हो जाएगी 4/3 का उल्टा 3/4 और नेगेटिव, तो ये आ गई माइनस 3/4, आपको अगर एक लाइन की स्लोप पता है ना 4/3 है तो उसकी परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप क्या हो जाएगी, इसको रेसिप्रोकल कर दो और साथ में प्लस की जगह माइनस कर दो, माइनस की जगह प्लस कर दो, तो ये पॉजिटिव था तो मैंने इसको नेगेटिव कर दिया, ये स्लोप आ गई, काम खत्म, स्लोप आ गई है और पॉइंट भी है, पॉइंट क्या है मुझे पता है, ये पॉइंट है 1, 2, तो अब मैं स्लोप और पॉइंट यानी पॉइंट स्लोप फॉर्म से इसकी इक्वेशन निकाल लूंगा या आप निकाल लोगे, अब मैं आपको सिखाता हूँ स्टूडेंट डायरेक्ट शॉर्टकट, ठीक है, देखिए स्टूडेंट ये इक्वेशन है 4x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, मुझे इसके परपेंडिकुलर चाहिए, मैंने क्या करा xy देखिए इज इक्वल टू c, मैंने x की जगह 4 था, देखो इनको इंटरचेंज कर दिया, मतलब ये 4 की जगह पर ऐसे कर दिया, ये 4 x के साथ था तो इसको y के साथ ले आया, y के साथ 3 था तो इसको x के साथ ले आया, बीच में माइनस है इसको मैंने कर दिया प्लस इज इक्वल टू c, ठीक है, मैंने क्या करा x और y के कोफिशिएंट इंटरचेंज कर दिए और बीच में नेगेटिव था तो उसको पॉजिटिव बना दिया, अब ये लाइन पास कहाँ से होती है 1, 2 से, तो मैंने x की जगह पर 1 डाला, y की जगह पर 2 डाला, x की जगह पर 1 डालूंगा तो ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको लिख के बस इस बार बता रहा हूँ, मतलब मैं डायरेक्टली यहाँ लिख दूंगा, देखो 3 × 1 3, 4 × 2 8, 3 और 2 3 और 8 11, तो ये मेरा आंसर हो गया, ये मेरी इक्वेशन हो गई, तो मतलब सीधा सीधा सी, तो बस ये 11 आ गया तो मैं यहाँ पर सीधा 11 लिख दूंगा, ख़त्म मेरा काम, ठीक है स्टूडेंट्स, मैं दोबारा करके दिखाता हूँ आपको क्या करा हमने, ये 4x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इसको मैंने लिख दिया x और y, इनके कोफिशेंट बदल दिए, इंटरचेंज कर दिए, x के साथ आ गया 3, y के साथ आ गया 4, माइनस है तो इसको कर दिया प्लस और इज इक्वल टू इधर लिख दिया c, अब ये कहाँ से पास होती है ये वाली लाइन होती है 1, 2 से, x की जगह पर 1 डाला तो ये 3 × 1 3, y की जगह पर 2 डाला 4 × 2 8, 3 और 8 11, तो मेरा डायरेक्ट आंसर आ गया 11, बस इस तरीके से हमने कर लिया, ठीक है ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन 5x प्लस 8y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 3, 2, स्टूडेंट्स पहले मैं एग्जांपल करा चुका हूँ, बिल्कुल शॉर्टकट से करूँगा, देखो मेरे पास था लाइन 5x प्लस 8y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, मैंने क्या करा यहाँ लिखा x, यहाँ लिखा y, y के साथ 8 है तो इसको मैंने x के साथ लगा दिया, x के साथ 5 है तो मैंने y के साथ 5 लगा दिया, बीच में क्या है प्लस तो मैंने साइन को चेंज कर दिया माइनस इज इक्वल टू सी, एक लाइन मैंने लिखूंगा यही आंसर आ जाएगा, ये कहाँ से पास हो रहा है 3, 2 से, x की जगह पर 3 डाला ये कितना हो गया 24, y की जगह पर डाला 2, 10, 5 × 2, 10, 24 − 10, 14 हो गया, तो ये मेरा आंसर हो गया, समझ आ गया सबको, ठीक है,
ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा आंसर आ चुका है। मैं फिर भी एक आधी चीज़ और बताता हूँ। देखो सबसे पहले जो हमारे पास ये वाली लाइन थी, इसकी स्लोप क्या होगी? स्लोप होती है माइनस ए बाई बी, तो इसकी स्लोप क्या हो जाएगी? माइनस ए बाई बी यानी माइनस फाइव बाई एट। स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, रिक्वायर्ड लाइन कौन सी है? ये वाली। इसकी स्लोप क्या हो जाएगी? एक तो मैं कह सकता हूँ इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल क्या होगा? एट बाय फाइव। पहले रेसिप्रोकल कर दिया और साथ में माइनस लगा दिया। और चेक करना है इसकी स्लोप वैसे क्या आएगी, इसकी स्लोप वैसे आ जाएगी, देखिए आप, एट और फाइव माइनस ए बाई बी यानी माइनस एट बाय माइनस फाइव। माइनस ए यानी माइनस ए मतलब माइनस एट और बी कितना है? माइनस फाइव। तो ये कितनी आ गई? ये एट बाय फाइव आ गई। दोनों तरीके से हमारा आंसर आ रहा है। इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कर तो भी और डायरेक्टली करोगे तो भी, ठीक है। बाकी आंसर तो हमने शुरू में ही निकाल लिया था, ठीक है ना, ये तो हमने शुरू में ही निकाल लिया था। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन 5x प्लस 8y इज इक्वल टू 5 एंड पासिंग टू द पॉइंट 4,4। मुझे एक लाइन चाहिए जो इसके परपेंडिकुलर हो और पास करे 4,4 से। हम डायरेक्टली क्या करेंगे, ये x लिखा, ये y लिखा, बीच में प्लस है तो उसको बदल दिया माइनस में। 5x के साथ है तो अब लगा दूंगा 5 को y के साथ। पहले y के साथ 8 था तो मैं x के साथ लगा दूंगा 8 इज इक्वल टू c। बस ये c की वैल्यू डालनी है मुझे। ये लाइन कहाँ से पास होती है? 4,4 से। तो मैंने x की जगह पर भी 4 डाल दिया, y की जगह पर भी 4 डाल दिया। 8 इंटू 4 34, 5 इंटू 4 20, सॉरी 8 इंटू 4 32, 32 माइनस 20 12। तो ये मेरा आंसर हो गया, ख़त्म। इजी मेथड है ना स्टूडेंट। हो सकता है आगे आने वाले कुछ क्वेश्चंस में मैं डिटेल में ही कराऊँ, पर अब आपको मैंने मेथड सिखा दिया, आप ऐसे ही कीजिएगा हमेशा।